आज हम करेंगे वन लाइन क्वेश्चंस जो हमारे कॉमर्स के केवीएस एनवीएस और डीएसएसबी में हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड कौन से बैलेंस शो किए जाते हैं। तो देखो, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जो हमारे पर्सनल अकाउंट्स हैं उनके क्रेडिट बैलेंस को शो किया जाता है। उसके साथ साथ अगर ये पूछा जाए कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या शो किया जाता है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमारे पर्सनल अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस और रियल अकाउंट्स को शो किया जाता है। और नॉमिनल अकाउंट फिर हमारे कहाँ पर जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट हमारे सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जाते हैं, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी बैलेंस शो किए जाते हैं वो सारे हमारे कौन से अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, क्रय की गई मशीनरी को फैक्ट्री तक लाने के व्यय को किस खाते में डेबिट किया जाना चाहिए। देखो, अगर मशीनरी हमने परचेज की है और उस टाइम अगर कोई भी एक्सपेंसेस होता है तो वो मशीनरी अकाउंट में डेबिट होता है। तो एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, अगर कैश पेमेंट की है तो टू कैश और चेक में तो टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर डेबिट पूछा गया है तो डेबिट क्या आएगा, मशीनरी अकाउंट। किसके द्वारा अपूर्ण लेखांकन पद्धति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो देखो, जो अपूर्ण लेखांकन पद्धति है जिसको हम एक हेरी लेखांकन पद्धति या वन साइड अकाउंट मेथड भी कहते हैं, वो हमारा पब्लिक कंपनी में यूज नहीं हो सकता। जो डेली के कैश का लेन देन है, जैसे कि हमारी कोई छोटी शॉप है, डॉक्टर्स की दुकान है, तो वहाँ पर हम उसका यूज कर सकते हैं, बट पब्लिक कंपनी में इसका यूज नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें सेपरेट अकाउंट ओपन करने होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एक सार्वजनिक कंपनी अपना रजिस्टर्ड कार्यालय दिल्ली से रोहतक लाना चाहती है तो उसे किस डॉक्यूमेंट्स में बदलाव करना होगा। देखो, अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है अपना रजिस्टर्ड कार्यालय यानी कि जहां पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको चेंज करना चाहती है तो उसे अपने पार्षद सीमा नियम में चेंज करना होगा। रजिस्टर्ड कार्यालय वो ऑफिस होता है जहां पर उनकी मेन ब्रांच होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, बैंक अकाउंट एक कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट्स होता है। कई बार स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं क्योंकि कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है बट बैंक अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट्स। उसके बाद है भारी विज्ञापन पर व्यय किया गया धन जिसका लाभ आने वाले 4 वर्षों तक जारी रहेगा किस प्रकार का व्यय कहा जाएगा। देखो, अगर एडवर्टाइजमेंट पर हमने बहुत ज्यादा अमाउंट खर्च कर दिया है तो उसका बेनिफिट हमें उसी साल नहीं मिलता बल्कि उसका बेनिफिट हमें अगले कई सालों तक मिलता रहता है। वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है बट उसका बेनिफिट हमें ज्यादा टाइम तक मिलता रहेगा, इसीलिए उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी कहते हैं। उसके बाद है बैलेंस शीट इक्वेशन। देखो, इसमें कई बार ये इक्वेशन बनानी आ जाती है, 3 या 4 स्टेटमेंट में इक्वेशन दे देता है। अगर आपको पता है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, तो अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए तो टोटल एसेट्स माइनस में लायबिलिटी, और लायबिलिटी पूछा जाए तो टोटल एसेट्स में से अगर आप कैपिटल लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगी, लायबिलिटी आ जाएगी। यानी कि अगर आपको एक इक्वेशन याद है तो इस इक्वेशन से आप लायबिलिटी भी निकाल सकते हो, कैपिटल भी निकाल सकते हो, टोटल एसेट्स भी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, खनिज जमाओं की दशा में कौन सी डेप्रिशिएशन मेथड यूज किया जाता है। तो उस टाइम हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्षतिकरण, क्योंकि उसमें से हम थोड़ा थोड़ा मिनरल निकालते रहते हैं जिससे क्या होता है उसका थोड़ी थोड़ी मात्रा में लास्ट में उसकी जो वैल्यू है वो जीरो आ जाती है। तो उसमें हम कौन से मेथड को यूज करते हैं, क्षतिकरण। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9,
यात्री सड़क परिवहन के लिए कौन सी लागत लेखांकन विधि का प्रयोग करते हैं। तो यदि यात्री सड़क परिवहन की सेवा दे रहे हैं तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10th, गार्नर बना मर्रे के नियम के अनुसार एक पार्टनरशिप के दिवालियेपन से उत्पन्न हानि अन्य साझेदारों द्वारा व्यय की जाती है। देखो, इसमें जो हमारा गार्नर बनाम मुर्रे का नियम था, ये बहुत ही फेमस रूल है। इसमें क्या हुआ था, इसमें तीन पार्टनर थे, एक विलियमसन था, वो क्या हो गया था, दिवालिया हो गया था। तो उसके दिवालिया होने के बाद इन्होंने कहा था कि हम अपना जो लॉस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट न्यायालय ने क्या निर्णय लिया कि जो ये लॉस हुआ है वो किस वजह से हुआ है, वो उसके दिवालियापन की वजह से हुआ है, जो कि क्या है, कैपिटल लॉस है। इसीलिए उनके लॉस को किस में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैपिटल अकाउंट्स में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लागत लेखांकन सहायक होता है, तो जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है वो किस चीज़ में हेल्प करता है हमारे कॉस्ट को कम करने में, क्योंकि जितनी कॉस्ट हमें लगी है और जितनी हमें लगनी चाहिए थी वो हमें कौन बताता है, कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। तो हमें अगर उनकी एरर का पता चल जाता है कि यहाँ पर हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगी हुई है, यहाँ पर हमारी कम लगनी चाहिए थी, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह हम आपको डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। आई होप कि ये आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।